NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT अम्हारा बेटा पटना। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। उत्तर पूर्व दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित पर भरोसा जताया। दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की CM रह चुकी हैं। बीजेपी ने शीला दीक्षित के सामने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को उतारा है। वहीं दिलीप पांडे इस सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अलग अलग सर्वे में ऐसे दावा किए जा रहे हैं कि उत्तर पूर्व दिल्ली के मुस्लिम, जो कि कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, अब आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। साल 2015 में कांग्रेस ने यहां 10 विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में गुना गणित बदल चुका है। पोल पंडित और सर्वे में दावे किए जा रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट कर। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी, जो खुद एक पूर्वांचली है और यूपी के जौनपुर से आते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आनंद शर्मा को हराया था। मनोज तिवारी को 5,96,125 वोट मिले, जबकि शर्मा को 4,52,041 वोट मिले। इस बार भी मनोज तिवारी मैदान में हैं। इन 5 सालों में बतौर सांसद मनोज तिवारी ने अपने समुदाय के लोगों को लुभाने की भरपूर कोशिश की और काफी राजनीतिक दबदबा हासिल किया। मुस्लिम और पूर्वांचली के अलावा उत्तर पूर्व दिल्ली सीट के यमुना विहार, दिलसाद गार्डन और तिमारपुर में दलित, ब्राह्मण और वैश्य की अच्छी खासी तादाद है। इस संसदीय क्षेत्र के एक हिस्से में वोटर्स का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी के कामों से भी खास प्रभावित है। लोक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए आप सरकार का